गुड मॉर्निंग जोशी, आ जाते हैं। चलो न्यू लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। पहला दिन है एटॉमिक स्ट्रक्चर। हम लोगों ने स्टोसोमेट्री 1, स्टोसोमेट्री 2, मोल कंसेप्ट मतलब फर्स्ट सेकंड दोनों खत्म किए हैं। अच्छे से तैयारी करना, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद रिडॉक्स खत्म कर लिया हम लोगों ने। रिडॉक्स में थोड़े बहुत इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पार्ट्स जो थे उनको भी देखा। खैर ठीक है, अभी हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर्स पे आते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर को क्लियर करते हैं धीरे धीरे। ये थोड़ी लेंदी लेसन है, टाइम लगेगा लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, ये मेरा वादा है। स्मार्ट स्टडी, फील द स्मार्ट स्टडी, ठीक है। चलो एटॉमिक स्ट्रक्चर अगर मैं हेडिंग करूँ, ओ सेट, अब थोड़ा सा सुनते हुए चल रहा, कुछ बच्चे नए भी हैं, नहीं तो तुम लोगों को एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में उस लेवल की चीज़ें बता चुके हैं जो कि 11th में तुम लोगों को है भी नहीं, ठीक है। उसकी वीडियो पड़ी हुई है, दे देंगे अगर किसी को ज़रूरत हो। न्यू बच्चे हैं, कोई बोलता है कि मेरे को ज़रूरत है तो मैं दे दूँगा, खैर ठीक है, लेकिन नया तो ढूंढ लो, कोई दिक्कतें नहीं है। फिर भी एटॉमिक स्ट्रक्चर जहाँ तक है हम लोग को, वहाँ तक बेसिक बातें करते हुए चलते हैं। शुरुआत करते हैं एटम्स की। तो एटम्स की डिस्कवरी किसने की थी? तो सबसे पहले एटम्स के बारे में बोलने वाला कौन था, उसके बारे में भी एक वीडियो बना चुका हूँ। महर्षि कनद नाम के साइंटिस्ट थे, तुम लोग के ही जिले के थे, मतलब महाराष्ट्र के ही थे खैर। तो उन्होंने ही सबसे पहले हम लोगों के एटम्स के बारे में बताई थी कि एटम्स एक्चुअली अणु बताया था उन्होंने, एटम्स नहीं बोला था इंग्लिश में, अणु बताया था कि ये सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल और बिल्डिंग ब्लॉक पार्टिकल है एवरी एलिमेंट्स का। सबसे पहले उन्होंने बोला था, आई थिंक 400-500 BC के प्रॉक्स, 400 BC में या 350 BC में एक और साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने नाम लिया था एटम्स का, उसके बारे में बताया उधर में। इसके बाद से डायरेक्ट 1800 बीच में कुछ लोगों ने कुछ बोला, उसके बाद से इग्नोर कर दिया। बाद में आके लास्टली 1800 में जॉन डाल्टन ने मुंह खोल दिया 1803 में। ये सारी चीज़ें बता चुका हूँ, तुम लोग भी यहाँ पे नोट करते हुए चलना, जब भी वीडियो लेक्चर तुम लोग देखना वहाँ से नोट करते हुए चलना। 1803 में जॉन डाल्टन ने अपना मुंह खोला, मुंह खोलते ही बोला कि एटम आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स, जो कि वहाँ पे हो चुका था, लेकिन उन लोगों ने वैसा कुछ नहीं बताया था जैसे कि जॉन डाल्टन ने बताया। जॉन डाल्टन ने खुल के कुछ बताया क्या, कि एटम्स जो हैं, इसका नाम ही एटम्स इसलिए दिया, इसका नाम तो अणु था शुरू में, लेकिन इसका नाम एटम्स दिया बिकॉज एटम्स इज कंपाइल ऑफ टू वर्ड्स। हाँ, टू पढ़ के दो। चलो यहाँ पे एटम्स आर कंपाइल ऑफ टू लेटर्स, टू वर्ड्स से कंपाइल हुआ एटम्स। पहला लेटर था ए, ए का मतलब हम लोग अन कहते हैं, अन। जैसे हम लोग कोई भी चीजों को हिंदी वर्ड्स में अगर बोले तो अ लगा देते हैं, जैसे हम लोग बात करें कोई चीजों का तो अ लगा देते हैं, अ मतलब अन हो जाता है, मतलब नहीं हो जाता है, ठीक है। तो उस तरह से ए का मतलब यहां अन हुआ। मेरे को थोड़ा हिंदी वर्ड में यूज नहीं आ नहीं रहा है थोड़ा सा टर्म्स याद अभी। टोमियो, टोमियो यहां वर्ड था क्योंकि ये ग्रीक वर्ड था इसलिए टोमियो था वहां पे। यहां पे एटम्स की बातें हो गई थी, सिंधु आ जा जल्दी, एम आई ओ एटोमियो ही ले लो, इसका मतलब एटम बाद में निकल के आया था, ठीक है। तो यहां देखना टोमियो का मीन्स होता है डिविजिबल, डिविजिबल मतलब अनडिविजिबल पार्टिकल्स, एटोमियो। यहीं से वर्ड्स गेराइज किया गया था, जैसे बहुत सारे केमिकल्स के नाम, जैसे तुम लोग अभी आगे बहुत सारी चीज़ें पढ़ोगे, जैसे क्लोरीन का नाम क्लोरीन ही क्यों पड़ा, ठीक है, जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं उनका नाम वही क्यों पड़ा, अलग क्यों नहीं पड़ गया, तो वहाँ पे उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को लेके या फिर उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को लेके उसको हम लोग नाम रखे थे, इसलिए उसका नाम क्लोरीन पड़ा। क्लोरस का मतलब ही होता है, क्लोरस उसका नाम था, क्लोरीन नाम नहीं था, क्लोरस नाम था, और क्लोरस का मतलब ही होता है येलोइस ग्रीन, मतलब ग्रीक में येलोइस ग्रीन कलर को क्लोरस बोलते हैं, तो इसलिए उसका नाम क्लोरस रखा गया क्योंकि ये येलो ग्रीन कलर का कुछ सब्सटेंस दिख रहा था उसमें। अब तुम ये मत करना कि फ्लोरस का मतलब भी कुछ होता होगा, ब्रोमस का, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ नाम उसके रिदम में पड़े, कुछ नाम साइंटिस्ट के नाम पे पड़े, जैसे कुछ नाम स्टेट्स के नाम पे पड़े, कंट्री के नाम पे, जैसे जैसे अमेरिकियम साइंटिस्ट के नाम पे है, रदरफोर्डियम, जैसे इंडियम, ठीक है। तो बहुत सारे नाम्स है जो कि फ्रांसियम, फ्रांसियम भी एक एटम है फ्रांस, ठीक है। तो बहुत सारे एटम्स है जो कि कंट्री के नाम पे पड़ गए, बहुत सारे एटम्स है जैसे कि रदरफोर्डियम, और भी हैं जैसे एक डाल्टियम था, नहीं उसका नाम चेंज कर दिया गया था फिर बाद में, बहुत इस पर वो भी हुआ था क्योंकि दो तीन साइंटिस्ट मिलकर काम किए थे।
तो ये लोग को चेंज कर दिया गया था। हाँ नेप्टोनियम, बिल्कुल नेप्टून पे पड़ा था, ग्रह पे भी पड़ा था, ग्रह पे प्लूटोनियम, प्लूटोनियम भी पड़ा था प्लूटो पे, नेप्टियम प्लूटोनियम, तो ठीक है ये सब नाम ऐसे पढ़ते गए। यूरेनियम, वेरी गुड, यूरेनियम भी पड़ा था यूरेनस पे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें नाम रखते चला गया। अब यहाँ पे बातें आई, तो ये एटम की नाम शुरू में कैसे रखा गया होगा, अब तो फील कर सकते हो एटम की नाम, सर इसका भी कोई प्रॉपर्टी होगा तभी रखा गया होगा। तो प्रॉपर्टी था ए मीन्स अन और टोमियो मीन्स डिविजिबल, मतलब इसका प्रॉपर्टी था अनडिविजिबल का। डिविजिबल का स्पेलिंग ए भी होता है क्या, जो भी हो देख लेना, डिविजिबल का स्पेलिंग चेक कर लेना। डिविजिबल यहाँ पे अनडिविजिबल पार्टिकल था, इसलिए इसका नाम एटोमियो पड़ा था। इसको जॉन डाल्टन ने दिया था 1803 में, 1803 टू 1806 बोला जाता है इसको, इसके बीच में ही ये सब काम हुई थी। तो यहाँ पे लिख सकते हो ये सब चीज़ें, ठीक है। लिखने के बाद अब बातें आएंगी थोड़ी सी आगे, इसमें आगे धीरे धीरे बढ़ते गए। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल चार्ज में इसको फेंक के देखा गया, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जीज प्रोड्यूस किया गया, उसमें इसको एटम को रखा गया और उसको चेक किया गया कि ये क्या बिहेवियर शो कर रहा है कुछ, ठीक है। तो इसमें अगले पॉइंट में लिखेंगे, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, दोनों फील्ड को एक ही साथ लिख लो, एंड मैग्नेटिक फील्ड द एटम्स शोज सम डिफरेंट बिहेवियर्स, सम डिफरेंट बिहेवियर्स, ठीक है। पॉइंट में लिखेंगे कुछ डिफरेंट बिहेवियर शो कर रहे थे, बट वो बिहेवियर अभी नहीं लिखने, वो बिहेवियर आगे चल के हम लोग को एक एक करके पढ़ने एक्सपेरिमेंट्स में। पहले अगले पॉइंट्स में लिखेंगे माइकल फैराडे, MICHEL माइकल, स्पेलिंग देख लेना, MICHEL माइकल फैराडे, माइकल फैराडे शोज द रिलेशनशिप बिटवीन मैटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी और मैटर के बीच में। सुनना, स्टार्ट कौन किया था, तो डेवी, डेवी नाम का एक साइंटिस्ट था, इसके बारे में सुने भी होंगे, इन्होंने स्टार्ट किया था ये चीज़ें, लेकिन माइकल फैराडे ने अपने ऊपर पूरा ये सब लेके उसको थियरी दिया, ठीक है। तो माइकल फैराडे सबसे पहले मैटर और इलेक्ट्रिसिटी के बीच में रिलेशनशिप दिए थे, क्लियर है। अगले पॉइंट में लिखेंगे इसमें, आफ्टर दैट, अगले पॉइंट में लिखना, जैसे इलेक्ट्रिसिटी और मैटर के बीच में दिया गया कि ये शो कर रहा है कुछ प्रॉपर्टीज, मतलब इसके अंदर चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज प्रॉपर्टीज है, मतलब इसके अंदर कोई ना कोई चार्ज है, इलेक्ट्रिसिटी के बीच में और एटम्स के बीच में कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी शो हो रहा है, इसका मतलब इसके बीच में कोई ना कोई चार्ज प्रेजेंट है, ये क्लियर हो गया था। इसके बाद वाले पॉइंट में लिखेंगे, आफ्टर दैट द एटम्स आर स्टडीड फर्दर मोर एंड फाउंड दैट, एंड फाउंड दैट एटम्स आर कंपोज्ड ऑफ, एटम्स आर कंपोज्ड ऑफ, एक एक करके बहुत सारे खोज हुए थे, कौन कौन हुए थे वो पूरे तुम लोगों को याद होगा, कुछ लोगों को याद होगा, कुछ लोगों ने भूल गया होगा, कुछ लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा है क्योंकि वो लोग अभी नहीं जुड़े हैं। सुनना, फिर भी मैं लिखवा देता हूँ शॉर्ट में, वो लोग को और ज़्यादा उसके बारे में जानकारी चाहिए तो वहाँ से ले सकते हो। याद है ना, कंपोज्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, हेलो सर इसके बारे में क्या जानकारी लेना है इसके बारे में क्या जानकारी, ये तो बचपन से जानते, जब पैदा हुए थे उसके बाद पढ़ने के समय में जान गए थे ये चीज़ें, नहीं नहीं इसके बाद भी है, न्यूट्रिनो मोन्स ग्लोन्स, हम लोग जानकारी लोगे ना तो चले जाना उस वीडियो पे, मिल जाएगा, ग्लोन्स फर्मोन्स, ठीक है, ईटीसी, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में जोड़ा गया था, अभी 16 पार्टिकल्स धीरे धीरे हो चुके हैं, और भी पार्टिकल्स में तोड़ा जा सकता है, इनके एंटी हैं, टाऊ है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें तुम लोग को बताया जा चुका है, जो लोग बेसिक में पढ़े थे वो लोग, जो लोग न्यू जुड़े हैं उनको थोड़ा सा ये सब एक्चुअली इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ही है सिलेबस में। पोजिस्ट्रॉन, पोजिस्ट्रॉन लिखवाया क्या, नहीं पोजिस्ट्रॉन भी लिख लेना, पोजिस्ट्रॉन फिजिक्स में सिलेबस में मिल जाएगा 12th लास्ट में, ठीक है। तो वहाँ पे वो सब डील कर लेना। म्यूऑन्स मतलब है क्या, म्यूऑन्स ये सब नहीं समझ में आ रहा, थांबा थांबा, ये सब एटम्स के अंदर ही पाए जाने वाले पार्ट्स है, इन सब का क्या यूज है और ये क्या करते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन्स है उसका नेगेटिव चार्ज है और ये क्या करता है, ये सब पता है, वैसे ही मोन्स क्या करता है, मोन्स कहाँ पाया जाता है, ये सब चीज़ें का एक अलग वीडियो बना दिया हूँ शुरू में बेसिक लेक्चर में, वो मैं शेयर कर दूंगा जैसे ही तुम लोगों का ये लेक्चर खत्म होता है, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, वहां से जाके एक बार उसको भी देख लेना,
देखोगे तो एक अच्छा फीलिंग आएगी कि नहीं नहीं सही बात है ये। अगले पॉइंट में लिखना है इसके द इलेक्ट्रॉन करके लिखना द इलेक्ट्रॉन लेना, द इलेक्ट्रॉन कॉमा द प्रोटॉन एंड द न्यूट्रॉन आर द फंडामेंटल पार्टिकल। फंडामेंटल मतलब बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक, फंडामेंटल पार्टिकल मतलब बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक। तो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक जो एटम्स के हैं वो है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मतलब बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक का कि सर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक का मतलब यही सब चीजें ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। जैसे मैं एक घर बनाऊं, ईंटे के घर बना रहा हूं, मिट्टी की बातें नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं थोड़ी अमीर आदमी हूं, ठीक है। तो ईंटा के घर बनाने की अगर बात किया तो ईंटा लगा, सीमेंट लगा, बालू लगा, गिट्टी लगा, ठीक है। लेकिन अगर बोला जाए घर का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक मटेरियल तो हम लोग क्या बोलेंगे? इसमें बहुत सारे और भी चीज़ें लगी होंगी, जैसे ग्लू लगी होंगी, जैसे पेंट्स लगे होंगे, जैसे प्लास्टर करने के लिए कुछ भी लगाओ, जो भी लगाओ, लेकिन बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ईंट है। ईंट ये सब जो और भी चीज़ें पाई जा रही है वो बहुत कम मात्रा में जो पाई जा रही है उसको इग्नोर कर देते हैं। वैसे ही मोन स्टाउन स्टाउ या फिर पोजिस्ट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो न्यूट्रिनो जो भी हो उनको हम लोग इग्नोर कर देते हैं। बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक में तीन ही गिनते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, क्लियर है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर, क्लियर है एटम्स का। अब हम लोगों को बातें आगे आ रही है, जॉन डाल्टन्स आर फेल्ड टू एक्सप्लेन द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ द एटम। फेल्ड टू एक्सप्लेन द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ द एटम मतलब केमिकल रिएक्टिविटी के बारे में इन्होंने कुछ नहीं बताया। कारण कुछ नहीं बताने का कुछ तो कारण होगा, कारण ये था कि वो नहीं बोलूंगा वैसे, ठीक है, क्लास में आके बोल दूंगा वैसा भाषा। कारण ये था कि बेचारे ने अभी अभी खोज ही किया था, उनको पहली बार एटम मिला था। अब मान लेते तुम लोगों ने कहीं, तुम लोग कहीं जा रहे हो खेत में और तुम लोगों को कुछ ऐसा चीज़ मिल जाए, ऐसा कुछ मिल जाए कि जो तुम लोग को नया मिले, तो तुम लोग वैसे उसको दिखाओगे कि ये मेरे को मिला है। अब उस पर डिस्कवरी करने वाले पूरे इंटरनेशनली बहुत सारे साइंटिस्ट आ जाएंगे, तो शायद तुमसे पहले डिस्कवर करते हैं या फिर शायद तुम उससे पहले निपट जाओ, ठीक है। तो निपट गए तो दूसरे साइंटिस्ट को ऑब्वियस सी बात है टाइम मिलेगा। तो वहाँ पे जॉन डाल्टन ने इसलिए खोज नहीं कर पाया, लिमिटेशन से इसको बोलते हैं, लेकिन उसकी गलतियाँ नहीं बोल सकते, उनसे नहीं हो पाया, उनको वो नहीं देख पाए, ठीक है। तो उन्होंने रिएक्टिविटी के बारे में नहीं बता पाया क्योंकि पहले तो उन्होंने यही नहीं बता पाया कि एटम्स को डिवाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। सुनना, आगे चल के बातें आई कि अगले पॉइंट में लिखना द एटॉमिक स्ट्रक्चर्स आर मेनली कंपोज्ड ऑफ, सुनना, कंपोज्ड ऑफ क्या क्या चीजें इसमें मेनली देख रहे हैं। पहला, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की बातें करेंगे। दूसरी, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, करके लिखते जाना ऐसे ऐसे करके, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। तीसरी बातें करेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, मतलब ये तीन जो फंडामेंटल्स है इन्हीं तीनों के डिस्कवरी के बारे में पढ़ेंगे। अब एक्चुअली बात आती है जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स था, सुनना, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो इसमें लिखेंगे, लेकिन ये तुम लोग को अभी बताता हूँ, सुनना, पहले लिख लेना इसको E/m रेशियो, इलेक्ट्रॉन का चार्ज बाई मास रेशियो, इसको चार्ज बाई मास रेशियो भी बोलेंगे, E/m, स्मॉल ई है स्मॉल m, देखो दिख रहा होगा अभी, E/m रेशियो, ठीक है, E/m रेशियो। इसके बाद से ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट पढ़ने हैं, ठीक है। ये लेके हम लोगों का थोड़ा सा हम लोगों को इससे बाहर निकाल देगा कि एटम का फंडामेंटल्स जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है वो कहाँ से आए, कैसे आए और क्या काम करते हैं। इन तीनों को थोड़ा सा ध्यान से देगा, इन पॉइंट्स को। तो पहले हम डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन शुरू करेंगे, उसके बाद E/m रेशियो, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से क्या आता है, सुनना, मैं थोड़ा सा इसको हिंट कर देता हूँ। ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से क्या आता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वो एक्सपेरिमेंट मुल्किन ने किया था, MULKIN, मुल्किन, इसका नहीं लिखा यहाँ पे, लिखवा दूंगा, मुल्किन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट बोला जाता है, मुल्किन नाम के साइंटिस्ट थे। उनका कहना था जब एक्सपेरिमेंट किए उसके बाद क्या कहना था कि जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वो -1 है, ठीक है, वेरी गुड। मतलब -1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है, मतलब 1.6×10⁻¹⁹ कूलम उसका चार्ज माना गया, मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम लोग -1 मानेंगे। अब ये -1 कहाँ से आया,
सुनना, माइनस वन कहाँ से, ये एक्सपेरिमेंट में तो दिख गया, कैसे दिख गया सुनना, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो ये इलेक्ट्रिसिटी दिया इतना कि वो एक चार्ज को ही खींच सके, तो उतना ही पॉजिटिव चार्ज उतना ही निगेटिव चार्ज को खींचेगा, ये तो क्लियर है, पॉजिटिव जितना देंगे उतना ही निगेटिव खींचा जाएगा, मतलब उन्होंने उतना ही पॉजिटिव दिया तो उतना ही निगेटिव आया, उसको जब क्लियरिफाई किया तो देखा कि इतने इलेक्ट्रॉन्स आए हैं, उतने इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज उतना था तो डिवाइड किया तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज आ गया, ये तो एक एक्सपेरिमेंट से आया, लेकिन ओरिजिनली ये वन चार्ज कहाँ से आता है ये तुम लोग को बता चुका हूँ ना, क्वार्क से आया था, सॉरी ये लेप्टॉन से आया था और न्यूट्रॉन वाला जो था वो आया था क्वार्क से, क्वार्क्स क्या होते हैं, लेप्टॉन्स क्या होते हैं, वो वहीं पे मिलेगा जहाँ पे अभी मिलेंगे हम लोग, आगे मैं शेयर करूँगा वीडियो वहाँ देखा, ये लिख लिए। चलो शुरुआत करते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसके बारे में थोड़ा सा टेंथ में आई थिंक तुम लोग पढ़े होगे, थोड़ा सा क्या पूरा पढ़ लिया होगा क्योंकि मज़ा आ गया होगा, ठीक है, नहीं आया होगा तो यहाँ आएगा, देखते हैं। चलो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन अभी लिखेंगे नहीं, अभी थोड़ा बना के समझा देता हूँ, जब तक समझना नहीं तब तक लिखना नहीं, फिर से समझाऊंगा तब लिखना, नहीं आएगा फिर से समझाऊंगा तब लिखना, ठीक है, सुनना, फिर नहीं समझ में आया तो लिख ही लेना, क्योंकि अब क्या करोगे, यहाँ लेना एक ट्यूब लेते हैं, कोई भी ट्यूब ले लो चलेगा, यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड लगाते हैं, इलेक्ट्रोड समझ में आता है ना, इलेक्ट्रोड बताया था ना रिडॉक्स में, इलेक्ट्रोड मतलब कोई भी ऐसा रॉड, इलेक्ट्रोड का मतलब कोई भी ऐसा रॉड जिस पे चार्ज आ सके, लिख लेना कहीं साइड में, इलेक्ट्रोड का मतलब कोई भी रॉड जिस पे चार्ज आ सके, निगेटिव पॉजिटिव कोई भी हो चार्ज आ सके, ठीक है, उसको हाँ कैथोड एनोड उसका पार्ट्स हो सकते हैं, ठीक है, तो कोई दो इलेक्ट्रोड ले लिया, कोई भी दो इलेक्ट्रोड ले सकते हैं क्या सर, बिल्कुल कोई भी ले सकते हो, मैं जब भी एक्सपेरिमेंट के बारे में बताऊं तो तुम लोग के अंदर से वो चीज़ आनी चाहिए कि सर हम लोग ऐसे कर सकते हैं क्या, ऐसे कर सकते हैं क्या, जिसे पूछोगे ना तो तुम लोग का दिमाग डेवलप होता है और दिमाग डेवलप करना ही आगे के लिए बुद्धिमानी है, ये सब सारी चीज़ें पढ़ लोगे, इलेवंथ पढ़ लोगे, ट्वेल्थ पढ़ लोगे, इंजीनियर बन जाओगे, डॉक्टर बन जाओगे, सब कुछ हो जाएगा लाइफ में, लेकिन दिमाग ही डेवलप नहीं करोगे तो फिर भी छोटे ही रह जाओगे, ठीक है, दिमाग डेवलप करना, सोचना थोड़ा, चीज़ों को सोचना, सुनना यहाँ पे, तो मैंने कोई भी इलेक्ट्रोड ले लिया, ठीक है, सुनना क्यों कोई इलेक्ट्रोड ले लिया, अब नहीं पूछ रहे हो तो आगे चल के दिक्कतें नहीं आएंगी, बता देता हूँ तुम लोगों को, यहाँ पे हाई वोल्टेज लेना होगा, हाई वोल्टेज डॉट 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 कर देता हूँ बीच में, नहीं तो ये वोल्टेज गिन लोगे कहोगे कि सर हाई तो नहीं है, ठीक है, बड़े वाले को पॉजिटिव कहते हैं, ये बड़ा छोटा सा क्यू बना रहे, एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा एक छोटा, बड़े वाले को पॉजिटिव कहते हैं, छोटे वाले को निगेटिव बोलते हैं, बोलो, ठीक है, तो एक लिए बड़ा ले लिए, एक को छोटा ले लिया, क्लियर, हाई वोल्टेज क्यों लिए इसका भी कारण बता, सुनना, एक को मैंने पॉजिटिव लिया तो इसके ऊपर पूरे पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे, बोलो, अगर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से किसी इलेक्ट्रोड को टच कराए तो उसका पूरा पॉजिटिव इसके तरफ ट्रांसफर होने लगेगा, अब क्यों ट्रांसफर होगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रोड लिए हैं उसके ऊपर पोटेंशियल जीरो है, मतलब इसके पास पोटेंशियल नहीं है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, पोटेंशियल नहीं, चार्ज नहीं है, अब इसके ऊपर जीरो चार्ज, इसके ऊपर 50 पॉजिटिव चार्ज, तो इन दोनों के बीच के चार्ज डिफरेंस को पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, सुनना ये चीज़ें थोड़ी सी डिफिकल्ट लगने लगती है आगे चल के, व्हाट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस, अरे घंटा का पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, डिफरेंस मतलब अंतर होता है, पोटेंशियल्स मतलब चार्ज समझ लो ना, डायरेक्ट चार्ज समझ, पोटेंशियल का हिंदी होता है क्षमता, क्षमता मतलब यहाँ चार्ज की क्षमता की बात हो रही है, क्षमता मतलब टेंडेंसी, तो यहाँ चार्ज की बातें हो रही है, अब चार्ज की बात हो रही है तो यहाँ जीरो चार्ज या 50 चार्ज, इनके बीच के डिफरेंस को पोटेंशियल डिफरेंस बोलो, क्या दिक्कत, ठीक है, तो चीज़ों को हल्का वे में लेके चलो, दिमाग लगाते चलो, हो जाएगा सारा चीज़ें, तो इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ये निगेटिव से जुड़ा है, इनके ऊपर निगेटिव चार्ज आ जाता है, तो सर ये लाके क्या फ़ायदा, सुनना, यहाँ जब हम लोग हाई वोल्टेज देंगे अप्रॉक्स एबव 10,000 वोल्ट, सुनना एबव 10,000 वोल्ट की बातें कर रहा हूँ, Above 10,000 वोल्ट, घर पे प्रोड्यूस नहीं होगा, थोड़ा सा दिक्कतें होंगी, 12 वोल्ट 14 वोल्ट की बैटरी में हम लोग की बैंड बच जाती है, Above 10,000 वोल्ट की बात हो रही है, तो Above 10,000 वोल्ट का अगर चार्ज दे रहे हैं तो क्यों, कम देंगे तो नहीं काम चलेगा या फिर ज़्यादा देंगे तो नहीं काम चलेगा, सुनते जाना, अगर ज़्यादा चार्ज देंगे बहुत ही पावर की तो यहाँ बहुत ही ज़्यादा निगेटिव आएगा और यहाँ बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव आएगा, ये सबका क्लियर होगा मेरे अनुसार, जैसे ही बहुत ज़्यादा निगेटिव और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगा तो अट्रैक्शन थोड़ा ज़्यादा ही हो जाएगा, अगर कम कम पॉजिटिव निगेटिव होगा तो अट्रैक्शंस बिल्कुल ही कम होगा, जिसके चलते शायद ये निगेटिव मूव करके इधर नहीं जाए, और हमको एक्सपेरिमेंट में यही करना है कि ये निगेटिव कैसे भी करके मूव कर जाए,
मूव करके काम देखो कैसे होता है। ये निगेटिव को मूव कराना है तो यहाँ पे बहुत सारा निगेटिव होनी चाहिए, यहाँ पे बहुत सारा पॉजिटिव, ताकि ये निगेटिव एक दूसरे को रिपल्सन करे कि जाना रे तू जाना, और ये बोले आना रे तू आना, तो यहाँ पे बोले चल चलते हैं, फिर यहाँ पे ये मूव करते चले जाए, ये स्ट्रेट लाइन मूव करता है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, यहाँ पे मूव करके इधर जाने लगा। सुनना तुम लोग थोड़ा सा फोटो अच्छा बनाना, मैं इंजीनियरिंग हूँ इसलिए थोड़ा सा फोटो में उतना अच्छा नहीं हो सकता हूँ, याद रखना। अब यहाँ पे दिक्कतें हो सकती हैं, ये इलेक्ट्रॉन क्यों चल के गया सर, प्रोटॉन क्यों नहीं चल के गया, ये चीज़ें पूछ सकते हो, नहीं पूछोगे मैं बताऊँगा फिर भी। सुनो, इलेक्ट्रॉन चल के क्यों जाता है, प्रोटॉन चल के क्यों नहीं जाता है, कारण ये है कि इलेक्ट्रॉन्स आर लाइटर देन प्रोटॉन्स। जैसे ही वहाँ से प्रोटॉन निकलने की कोशिश करेगा, उससे पहले कितने इलेक्ट्रॉन निकल चुके होंगे। यहाँ पे कोई एटीट्यूड प्रॉब्लम नहीं है कि तुम ही आओ मैं नहीं आ सकता, यहाँ एटीट्यूड प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ जो हल्का है कम एनर्जी पे मूव करेगा, जो भारी है ज़्यादा एनर्जी पे मूव करेगा, ये तो क्लियर है, एटीट्यूड प्रॉब्लम नहीं दिखाना यहाँ पे, यहाँ सारा बैंड बच जाएगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव करने लगा पॉजिटिव डायरेक्शन में, क्लियर है। अब इस निगेटिव इलेक्ट्रोड का नाम कैथोड देते हैं और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का नाम एनोड देते हैं। सुनते जाना, मैं धीरे धीरे समझा समझा के बना रहा हूँ, ताकि तुम लोगों को प्रॉब्लम ना हो, रटने पे मजबूर ना हो जाओ कि यार रट लो इसको एनोड कैथोड, ये इधर से इधर जाएगा, इधर 10 वोल्ट होगा, 10,000 की होगा, ये भी याद रखना थोड़ा। याद है, एक प्रॉब्लम और आ सकती है सर, ये वैक्यूम अगर नहीं होगा, ट्यूब अगर गलती से वैक्यूम आपने नहीं किया, तो यहाँ पे एयर्स होंगे और एयर्स के द्वारा कुछ प्रेशर होगा, और इलेक्ट्रॉन इतने हल्के होते हैं कि ये प्रेशर के वजह से नीचे बैठ जाएंगे, तो फिर ये कैथोड पे जाएंगे कैसे, और जब तक कैथोड पे पहुंचेंगे नहीं तब तक हम लोग चेक कैसे करेंगे कि न्यूट्रलाइज हो रहा है। तो यहाँ पे सर इस पूरे ट्यूब को वैक्यूम करना होगा, मतलब इसके जो प्रेशर होने चाहिए वो 10^-4 atm होना चाहिए। थोड़ा साफ साफ तुम लोग लिख लेना, मैं इसको बना देता हूँ, 10^-4 atm होना चाहिए। ये दो चीज़ें याद रखना, 10^-4 atm प्रेशर से कम और 10,000 वोल्ट से ज़्यादा, ये दो चीज़ें याद रखना, क्लियर। इसको बना लिए होगे तो मैं थोड़ा सा इसको साफ करूँगा, जल्दी से बना लेना या फिर घर पे बना लेना, अभी रहने दो, अभी समझना चीज़ों को। वैक्यूम था, क्या था क्या था, सब बन गया। चलो अब इस रिकॉर्डिंग पॉज करो ना। हाँ बोलो, बातें आने लगी थोड़ा सा कि यहाँ पे ये रेज तो ट्रैवल हो रहा था लेकिन किसी को पता नहीं चल रहा था, तो यहाँ पे पता चलने के लिए थोड़ा सा कुछ टेक्निकली दिमाग लगाया गया, कि ऐसा लगा कि निगेटिव तो जा ही रहा होगा, चाहे कुछ भी करो हल्का है तो उसके तरफ खींचा जा रहा होगा, तो ये मूव कर रहा होगा, लेकिन पता कैसे चले, कुछ भी लगा के देख लो, उस समय उतना अच्छा वो नहीं था, लेंस नहीं था, वो देखने के लिए कोई भी टेक्निक नहीं थी कि देख पाया जाए। तो यहाँ पे कुछ हम लोग एक्सपेरिमेंट किए, जैसे कि यहाँ पे ये पूरे सरफेस पे, इसको अब फिर से बनाना होगा, एक बार बना चुके हो ना, फिर से बनाना होगा इसको, इस बार ये पूरे एनोड को हमको पोरस लेना होगा, पोरस मतलब छेद छेद वाला पोरस एनोड लेना होगा, ठीक है, ताकि उसके बीच में कुछ स्पेस हो ताकि वो पार कर जाए। यहाँ पे अब जो ये पूरा पोर्शन है इसको हम लोग एक केमिकल से बाउंड कर दिए, सुनना, ये पूरे पोर्शन को एक केमिकल से बाउंड कर दिए, इसको जिंक सल्फाइड से बाउंड कर दिए। चलो, जिंक सल्फाइड एक ऐसा केमिकल है जिसपे कोई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन या कोई भी चीज़ें जब हाईली तेजी से हीट करता हो तो ये एक ग्लो प्रोड्यूस करता है, मतलब एक चमक प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ से जैसे ही ये आ रहा है स्पीसीज और इसको पार करके जा, कुछ स्पीसीज तो आके इससे टकरा जा रहा है, देखो ये पोरस नहीं है, ये पूरा यहाँ पे आके टकरा रहा है, टकराने के बाद ये वापस चला जा रहा है, ठीक है। सुनना थोड़ा समय, इसको तुम लोगों को दिक्कतें आ रही हो, तो ये पोरस हो गया, ये नॉन पोरस हो गया, ये पूरे निगेटिव हो गए, ये शुरू जूम कर रहा हूँ इसको, ये पूरे पॉजिटिव हो गए, और ये जिंक सल्फाइड का स्क्रीन है, ठीक है, तुम लोग भी बड़ा बना लेना। यहां से जैसे ही निगेटिव पार करके आ रहा है तो कुछ तो इसके ऊपर स्ट्राइक करके रुक जा रहा है, लेकिन कुछ कुछ निगेटिव इससे पार करके यहां पे जाके टकरा रहा है, जिससे कि यहां बोल सकते हैं यहां पे ग्लोइंग हो रही है। ये ZnS का स्क्रीन है, जिंक सल्फाइड, सुनना, जिंक सल्फाइड का स्क्रीन है। अब जहां जहां ये डार्क स्पॉट्स होते जा रहे हैं, जहां जहां टकराते जा रहे हैं, यहां यहां ग्लो हो रहा है, इसको फ्लोरोसेंस बोलते हैं, फ्लोरोसेंस, FLUOROSENC, फ्लोरोसेंस मतलब ग्लोइंग, चमकना, फ्लोरोसेंस का मतलब चमकना वाला इंग्लिश है, तुम लोग देख लेना। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ जाके इलेक्ट्रॉन टकरा था वहाँ ग्लो हो रहा है,
अब साइंटिस्ट ने ये कंफर्म कर लिया है कि कोई ना कोई चीज इधर से इधर मूव कर रहा है जो कि चार्ज्ड है, चार्ज्ड है। तो देखा कि कोई भी चीज इधर से इधर मूव कर रहा है, मतलब ये कौन सा चार्ज हो सकता है, इसके ऊपर पूरा पूरा निगेटिव है, मतलब ये कैथोड से मूव कर रहा है, कैथोड से। तो साइंटिस्ट कौन थे? जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन का जो था, मैं नहीं बोलूंगा यहाँ पे खुल के उनके बारे में, लेकिन बोलूंगा आगे, जॉन डाल्टन का जो था उन्होंने नाम दिया इसको कैथोड रे, क्योंकि ये कैथोड से चला है, तो इसका नाम दिया जॉन डाल्टन ने कैथोड रे, क्लियर है। और इस पूरे ट्यूब का नाम जो दिया था वो कैथोड रे ट्यूब दिया था, और इस पूरे एक्सपेरिमेंट का नाम जो दिया था कैथोड रे एक्सपेरिमेंट दिया था। क्लियर हुआ कैथोड रे ट्यूब किसको कहते हैं, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किसको कहते हैं, क्लियर है। अब देख रहा है यहाँ पे स्मॉल ग्लोइंग हुआ, तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि एक रे यहाँ से कैथोड से मूव कर रही है एनोड के तरफ। हाँ बोलो। मैं ये सर जब इलेक्ट्रिसिटी होती है, चलो तो यहाँ पे एक चीज जा रही है जिससे कि यहाँ पे स्ट्राइक कर रहा है, इसलिए इस रे का नाम दिया इन्होंने कैथोड रे, कैथोड रे, क्लियर है। अब यहाँ पे ये चीजें हम लोग को यहाँ भी देखने को मिल जाती है टीवी स्क्रीन में, टीवी स्क्रीन में, पहले की जो टीवी थी ब्लैक एंड व्हाइट उसमें हम लोगों का जैसे ही देते थे इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी पे जाके यहाँ पे टीवी में देखना, पहले इतना छोटा सा एक होता था वो स्क्रीन पे ऐसे जाके, बड़ा सा स्क्रीन होता था जिस पे जाके प्रोड्यूस होता था, लगता था उस पे स्क्रीन पे हम लोग को फोटो दिखाता था, और लाइट कटने के बाद धीरे धीरे बंद होता था, धीरे से ऐसे होके बंद होता था। एक आए अभी एलईडी आई है, एलईडी में लाइट कटता है तुरंत बंद। पहले वाली एक्सपेरिमेंट, ये इसी एक्सपेरिमेंट पे टीवी बना था जिसमें कि इलेक्ट्रिसिटी गई और जो ये रे निकल चुका है वो वहां पे पहुंच के स्ट्राइक करेगा ही करेगा, लाइट कट गई उससे क्या मतलब। अगर ये रे इस इलेक्ट्रोड से निकल चुका है तो वो अगले इलेक्ट्रोड को स्ट्राइक करेगा ही करेगा। अब ये लाइट कट भी गई तो भी जाके थोड़ी देर स्ट्राइक करता था, वेलोसिटी कम हो जाता था लेकिन स्ट्राइक करता था, जिसके चलते हम लोग का टीवी ऐसे क्लोज होता था। पुराने जमाने का तुम लोग पता नहीं देखे हो कि नहीं, पुराने जमाने की ब्लैक एंड व्हाइट टीवी ऐसे क्लोज होती थी, अभी एलईडी बहुत क्लब खत्म, ठीक है। तो एलईडी का फंक्शन अलग है, इस एक्सपेरिमेंट पे नहीं, इसी एक्सपेरिमेंट पे ब्लैक एंड व्हाइट टीवी बनी थी। अब देखना उसमें भी यहाँ पे एक लगा दिया गया था क्या बोलते इसको, प्रोड्यूसर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करता था, वहाँ इलेक्ट्रिसिटी गई यहाँ से, इसको भेजा इधर, आके इस फ्लोरोसेंस स्क्रीन है इस पर आके टकराता था, और ये स्क्रीन ग्लो करके जो भी इस पर फोटो आता था इस पर चमकता था, दिखता था हम लोग को टीवी में। लेकिन अभी हम लोग को चेंज कर दिया गया इस एक्सपेरिमेंट्स में बहुत ज़्यादा वोल्ट। चलो तो अभी देख लिए थे ये लोग हम लोगों का कैथोड रे के बारे में। अब कैथोड रे के बारे में थोड़ा सा सुनना, अभी आ रहा है ना नेटवर्क, आ रहा है पूरा स्क्रीन आ रहा है, ठीक है। अब कैथोड रे के बारे में थोड़ा सा चीज़ें लिख लेते हैं, कैथोड रे कैसा था, कैसे नेचर का था, कैसे निगेटिव चार्ज था या पॉजिटिव चार्ज था, ये चीज़ें तो उन्होंने क्लियर कर दिया था। निगेटिव रेज, सुनना इसमें एक पॉइंट लिख लेना आगे करके, द निगेटिव रेज मूविंग फ्रॉम कैथोड टू एनोड, कैथोड टू एनोड इज कॉल्ड कैथोड रे, इज कॉल्ड कैथोड रे, ठीक है। इसमें कुछ कुछ बातें लिख देते हैं, कैथोड रे की स्पीड्स क्या थी, स्पीड्स थी 10^7 to 10^9 सेंटीमीटर पर सेकंड, मतलब 10^5 to 10^7 मीटर पर सेकंड के अप्रॉक्स में इतनी तेज मूव करते थे। तो इसमें अब इस नेचर पे टीवी नहीं बना सकते, इतने वोल्टेज की भी बहुत ज़रूरत पड़ती थी और ब्लैक एंड व्हाइट चलता था, अभी हम लोगों का कम वोल्टेज वाली टीवी एलईडी आ चुकी है। तो अब इसके बारे में थोड़ी सी चीज़ें लिख लेते हैं और कंप्लीट करते हैं इसको, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट को ख़त्म करते हैं। एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया होगा, तुम लोग नहीं कर पाओगे घर पे इसको हाई वोल्टेज के चलते, और कोई जल्दीबाजी होता तो कर लेते। यहाँ पे एक चीज़ और समझने की थोड़ी ज़रूरत है, यहाँ पे कैथोड रे को पार्टिकल नेचर बताया गया था, कैथोड रे को पार्टिकल नेचर बताया गया था। यहाँ पे जे थॉमसन पार्टिकल नेचर बताने में सक्षम रहे थे, लेकिन इनके बेटे जो आए थे उनका नाम कौन सा थॉमसन था, टी एम थॉमसन, उन्होंने कैथोड रे को वेव नेचर बताया, और वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों लोगों ने अलग अलग नेचर बताया इस रे को, ठीक है। मतलब बाप ने अलग नेचर बताया, बेटे ने अलग नेचर बताया, और कमाल की बात ये है दोनों को नोबल प्राइज मिली थी, ठीक है। बिकॉज कैथोड रे कंसिस्ट ऑफ बोथ कैरेक्टर, वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर बोथ, तो ये बात की बातें थी। अभी हम लोग पार्टिकल नेचर करके लिख लेंगे, ठीक है, ये जानकारी की बातें थी, लिखते चलेंगे जल्दी से लिखेंगे। पहला पॉइंट, कैथोड रेज पहला पॉइंट में ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन ट्रेवल करेगा, कभी भी इधर से उधर नहीं जाएगा, मतलब स्ट्रेट लाइन में ही जाएगा, ठीक है। कॉमा के लिए ना, व्हेन सम पार्टिकल्स आर पुट इन देयर पाथ,
इसका प्रूफ कैसे मिला? जब कोई पार्टिकल्स हम लोग उसके पास में पुट करेंगे, देन इट फॉर्म्स शैडो ऑफ दैट पार्टिकल। मतलब कुछ पार्टिकल्स अगर हम लोग इसके पाथ में पुट करेंगे, कैथोड रे की बातें नहीं है, ये सनलाइट की भी बातें, ये हर रे की बातें है, कोई भी रे बेंड होके नहीं जाता जल्दी, वो स्ट्रेट ही पाथ में ट्रेवल करता है ड्यू टू इट्स हाई वेलोसिटी। हाई वेलोसिटी होने की वजह से वो स्ट्रेट लाइन पाथ ट्रेवल करता है, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे दैट फॉर्म क्या बोले, शैडो ऑन इट्स वॉल, ठीक है। अगले पॉइंट्स में लिखेंगे द स्पीड ऑफ कैथोड रे इज रेंजिंग फ्रॉम, स्पीड ऑफ कैथोड रे इज रेंजिंग फ्रॉम 10 to the power 9 टू 10 to the power 11 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अगले पॉइंट में लिखेंगे दे प्रोड्यूस ग्रीन ग्लो, ग्रीन ग्लो मतलब ब्रैकेट में फ्लोरोसेंस, व्हेन ए स्ट्राइक ऑन ग्रीन ग्लो, व्हेन ए स्ट्राइक ऑन ZnS जिंक सल्फाइड सरफेस। अगले पॉइंट में लिखेंगे दे प्रोड्यूस हीट एनर्जी व्हेन दे कोलाइड विथ मैटर। जब भी किसी चीज के साथ टकराते हैं हाई हीट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। सो वी कैन से दैट इट हैव काइनेटिक एनर्जी, मतलब उसके पास कुछ एनर्जी है। किसी के साथ टकरा रहे हैं मतलब उसके साथ हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब उसके पास एनर्जी है और वेलोसिटी पहले से है क्योंकि वो चल रहा है, मतलब उसके पास कुछ ना कुछ मास भी है। यहाँ से ये भी क्लियर हुआ कि कैथोड रे मतलब इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ मास है, ठीक है। तो इसमें लिख लेना ये सब चीज़ें कि उसके पास मास है, काइनेटिक एनर्जी है बिकॉज इट कन्वर्टिंग टू हीट एनर्जी। यहाँ पे आगे लिखेंगे दे आर डिफ्लेक्टेड इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, दे आर डिफ्लेक्टेड इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। मतलब यहाँ पे एक ऐसा एक बार और बनाना पड़ेगा तुम लोगों को, ये दो तीन बार बनाना पड़ जाएगा तुम लोगों को, एक बार और बनाना। इसमें दिखाना इधर में पॉजिटिव चार्ज, इधर में निगेटिव चार्ज, मैंने अगर अप्लाई किया तो ये यहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा था, निगेटिव से जैसे ही निकल रहा था ये पॉजिटिव इसको अट्रैक्ट कर ले रहा था इधर की तरफ, ये यहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा था। तो इससे पता चला कि अब अगर हम लोग डिफ्लेक्शन भी कर रहे हैं तो कैसे पता चलेगा कि डिफ्लेक्शन कर रहे हैं? तो ये अपने एंड पॉइंट तक नहीं पहुंच पाया, कोई भी यहाँ पे फ्लोरोसेंस नहीं दिखा जिसके वजह से हम लोग बोल सकते हैं यहाँ ये डिफ्लेक्शन कर गया, ठीक है। हाँ तुम्हारा थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, आ जाएगा, टेंशन क्यों ना का तान क्यों ना का। चलो आगे लिखेंगे, जितनी मराठी सीखा था मैं सब भूल चुका हूँ, फिर से सीखना होगा। चलो आगे लिखेंगे द कैथोड रे प्रोड्यूस एक्सरेस, कैथोड रे प्रोड्यूस एक्सरेस व्हेन दे फॉल ऑन मटेरियल हैविंग हाई एटॉमिक मास। हाँ लिख लो, अभी लिखते चलना अभी वनली लिखना है, लिख लो। कैथोड रे प्रोड्यूस एक्सरेस व्हेन फॉल ऑन मटेरियल हैविंग हाई एटॉमिक मास, व्हेन फॉल ऑन मटेरियल हैविंग हाई एटॉमिक मास। अगले पॉइंट में लिखना दीज रेज अफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट्स। अगले पॉइंट में लिखना दीज रेज पेनिट्रेट थ्रू थिन फॉइल को भी पेनिट्रेट कर सकता है। पेनिट्रेटिंग के बारे में बताया था, जो रेज हल्का हो और हाई वेलोसिटी का हो, मतलब वो किसी के पेनिट्रेट करके घुस सकता है, जैसे एक्सरेज की बातें किया था उन्होंने वहाँ पे। स्क्रीन इज ब्लैक, मे बी नेटवर्क प्रॉब्लम, या देर इज़ अ नेटवर्क प्रॉब्लम, बट यू ओनली हैव टू राइट, नो हैव टू सीन। यहाँ पे लिखते चल रहे हैं अभी हम लोगों को कोई दिक्कतें नहीं है, अभी थोड़ी देर में ऑफ करने वाले हैं, ख़त्म हो चुका है ये चीज़ें, कल हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अभी लिख लो, थोड़ा सा और बाकी रह गया है। लेकिन अगले पॉइंट में द नेचर ऑफ कैथोड रे इज इंडिपेंडेंट ऑफ, कैथोड रे का जो नेचर होगा वो इस पे डिपेंड नहीं करेगा कि ये इलेक्ट्रोड तुमने किस चीज़ का लिया है, सिल्वर का, गोल्ड का, जिंक का, कॉपर का, किस चीज़ का, इससे डिपेंड नहीं करेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे द नेचर ऑफ कैथोड रे इज इंडिपेंडेंट ऑफ, पहला पॉइंट द नेचर ऑफ कैथोड इलेक्ट्रोड कैथोड इलेक्ट्रोड किस चीज़ का है उस पर डिपेंड नहीं करेगा। दूसरा चीज़ है द गैसेस इन द डिस्चार्ज ट्यूब, इस डिस्चार्ज ट्यूब में कौन से गैसेस तुमने फील किया है उस पर भी डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। अगले पॉइंट में लिखेंगे कि डाल्टन्स ऑन फर्दर
डिस्कवर द चार्ज बाई मास रेशियो बाई द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. डाल्टन्स फर्दर डिस्कवर द चार्ज बाई मास रेशियो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, इसके बारे में हम लोग कल देखते हैं. एक पॉइंट और लिख लेंगे थोड़ा सा इसमें, लास्ट पॉइंट सुनना. चूंकि डाल्टन का एक्सपेरिमेंट था तो थोड़ा सा घटनाएं घटनी थी. यहाँ पे क्या घटनाएं घटी कि डाल्टन्स ने इतने एक्सपेरिमेंट करके सब कुछ खोज किया, कैथोड रे बोल दिया, सबसे बड़ी गलती थी, इसको इलेक्ट्रॉन नहीं बोला. इस इलेक्ट्रॉन का नाम जो था वो अलग साइंटिस्ट ने दिया. इसलिए डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कैरिड आउट बाई जॉन डाल्टन. बट लिखना इसमें, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कैरिड आउट बाई जॉन डाल्टन बट द नेम इलेक्ट्रॉन इज गिवेन. इलेक्ट्रॉन का नाम किसने दिया था, वो था स्टोनी, STONEY, स्टोनी. मेडिकल में एक बार क्वेश्चन पूछा था, फिर से पूछा जा सकता है इंजीनियरिंग या मेडिकल कभी भी कहीं भी, अब मैं नहीं बता सकता कहाँ भी. लेकिन ये क्वेश्चन अच्छा बनता है कि ये पूरे एक्सपेरिमेंट जॉन डाल्टन ने किया था. लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कतें हुई कि स्टोनी ने इसका नाम चुरा लिया. स्टोनी ने नाम दिया ओनली इलेक्ट्रॉन. दिस कैथोड रे आर कंसिस्ट ऑफ वेरी स्मॉल पैकेट्स, मतलब ये स्ट्रेट लाइन में चल रहा है लेकिन छोटे 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 पैकेट के रूप में चल रहा है. इन छोटे छोटे पैकेट्स के चार्ज को, एक चार्ज को, एक पैकेट को इलेक्ट्रॉन नाम दिया किसने, स्टोनी ने. ठीक है, ये चीज़ें थोड़ा सा क्लियर रखना. कल मिलते हैं यही टाइम पे यहीं पे. तब तक के लिए गुड बाय.